वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो ना अपने स्किन की फाइन लाइंस को लेकर के, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपकी स्किन के माउथ एरिया के पास फाइन लाइंस आ रहे हैं या फिर आंखों के आसपास फाइन लाइंस आ रहे हैं, फोरहेड पे फाइन लाइंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसका उपाय आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे से इस चीज को क्लियर करने वाली हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरी वीडियो बोरिंग लगे, बट क्या कर सकते हैं, दवाई ही देख लो कड़वी होती है बट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है ना। तो वीडियो को फुल वॉच करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी स्किन पे फाइन लाइंस आता ही क्यों है। तो स्किन में होता है कोलेजन और इलास्टिसिटी, ये दो प्रोटीन है जो हमारी स्किन को बनावट और आकार देने में मिल के काम करते हैं। और जब ये बिगड़ जाता है ना, तो हमारी स्किन पे फाइन लाइंस देखने को मिल जाता है। इससे हमारी एज बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी के समय में ना 30 या 35 के अंदर वालों को ही आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइंस की प्रॉब्लम उनके फेस पे दिखाई देती है। तो आज जो मैं आपके साथ DIY शेयर करूँगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। अगर नहीं देती है ना, तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हो। आप लिख देना कि आपकी ये DIY काम नहीं करती या नहीं किया है इसने काम, ठीक है। तो करना क्या है आपको, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो अगेन बोल रही हूँ, वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। साथ ही एक चीज और, आप अपनी स्किन के ऊपरी सतह पे आप कितना भी कुछ भी लगा लो, वो जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक आपका, जब तक कोलेजन इलास्टिसिटी सही नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है, कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि विटामिन ई, डी, ये सारी चीज़ें आपको लेती रहनी होती है। साथ ही आपको आपके स्किन पे बिल्कुल भी आपको मॉइस्चराइज करते रहना होता है, आपको कभी भी अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देना है। साथ ही आप अपने आप को बिल्कुल भी हाइड्रेट रखोगे, मतलब कि आपको 12 से 14 ग्लास पानी आपको पीना है, और साथ ही अच्छी नींद लेनी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे ना, तो भी आपको ये सारी प्रॉब्लम आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाती है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप खुद देख पाओगे कि आपकी स्किन में कई जगह से आपकी फाइन लाइन्स बहुत ही ज़्यादा उभरी हुई नज़र आती है। तो कुछ खाने में ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे स्किन में, हमारे शरीर में कोलेजन और इलास्टिसिटी को बना के रखता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या है, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ DIY। अब आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी वो भी मैं आगे वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को लेकर के, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको जानकारी दी है, और हो सके तो यार प्लीज़ तनाव मुक्त रहना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्किन से झुर्रियों को हटाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे केला लिया हुआ है, बस थोड़ा सा ही केला आपको चाहिए होगा, और आप ध्यान देना कि वो पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। केले में होता है भारी मात्रा में पोटेशियम, जो हमारी स्किन को नमी देता है। साथ ही इसमें जिंक और लैक्टिन होता है, जो चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे को हटाएगा, साथ ही झाइयों को भी पूरी तरीके से दूर कर देगा। इसमें अमीनो एसिड भी होता है, जिसमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जो कि स्किन को ना जवान रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और साथ ही आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हनी। तो हनी भी आपको बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको आधी चम्मच ही लेनी होगी। आप देख सकते हो केला मैश करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच का पेस्ट बना है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आधे चम्मच के करीब हनी लिया हुआ है। तो हनी आप जिस भी कंपनी का लेना चाहो आप ले सकते हो, और इन दोनों को आपको बस आपस में मिक्स कर देना है। हनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। इसमें होता है एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, जो हमारी स्किन से जुड़ी सारी परेशानियों को ठीक कर देता है, चाहे वो एक्ने हो या फिर ड्राई स्किन, अनइवन स्किन टोन, ये सारी चीज़ों को ये सही करता है। तो यहाँ पे हमारा पैक बनके कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है, और अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। तो फेस पे लगाने से पहले आप जान लो कि आपको ना अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। आप क्लीन करने के लिए अपना फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अच्छे से आप अपने स्किन को साफ कर लो, उसके बाद इस पैक को लेकर के अपने फेस पे अप्लाई करो, ठीक है। कुछ देर के लिए बस आपको इसे अपनी स्किन पे मसाज करना है, खासकर उस जगह पे जहाँ जहाँ आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं है चेहरे को, बहुत जल्दी जल्दी में आपको करना नहीं है, और अच्छे से आपको मसाज करना है 3-4 मिनट अपने फेस को, ठीक है। 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही हल्के हाथों से आप मसाज करोगे। आप देख सकते हो बहुत ही आराम से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बस थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
तो अच्छे से आप मसाज कर लोगे और मसाज करने के बाद आपको 5 मिनट के लिए कुछ उसी तरीके से चेहरे पे छोड़ देना है। इसके बाद आप अपने स्किन को धो लो, आप देखोगे आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोई लगेगी। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जब भी आप रात को सोने जाते हो तो विटामिन ई की कैप्सूल या फिर बादाम का तेल, बादाम के तेल में भी विटामिन ई पाया जाता है, उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है, तो या फिर आप विटामिन ई की कैप्सूल या फिर बादाम का तेल से अच्छे से आप अपनी स्किन को मालिश दो 2 मिनट के लिए और वैसे ही लगाकर सो जाओ। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 बार या 2 बार ही करना है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हो अगले वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।